पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में नोट कीजिएगा, व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, व्हेन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉमा पी टेंड्स टू जीरो, पी टेंड्स टू जीरो यानी कि प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू जीरो such that np is equal to lambda, such that np is equal to lambda is equal to a finite number is equal to a finite number, the binomial distribution reduces to the Poisson distribution with probability function PR defined by PR is equal to PX is equal to R. PX is equal to R is equal to e की power minus lambda is equal to e की power minus lambda into lambda की power R, e की power minus lambda into lambda की power R अपॉन आर फैक्टोरियल, वेयर आर इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री टिल इंफिनिटी, जीरो वन टू थ्री टिल इंफिनिटी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स, जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाता है कि कोई एक कॉइन 10 बार उछाला जाता है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 हो गए ना। नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर आपको इतने ज़्यादा दे रखे होंगे इन्फिनिटी के, आपको उसको उछालते जाना है उछालते जाना है, तो हम ये कहेंगे कि जब नंबर ऑफ ट्रायल्स किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो लगभग लगभग जीरो के बराबर हो जाती है। जब नंबर ऑफ ट्रायल्स ही इतने ज़्यादा हो गए तो प्रोबेबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे घटती चली जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये कहेंगे कि n इज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू मतलब एग्जांपल के तौर पर समझ लो जैसे 1000 कितना हो गया 10 लाख, ठीक है। अब इसको बहुत छोटी वैल्यू से आपने डिवाइड कर दिया यानी कि 0.00000 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 या 1 ऐसे लगा दिया। तो आप ये देखिएगा, मैं गलत कर गया, अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 2 3 4 5 6, अगर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप ये देखो कि पॉइंट गया तो नीचे कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई तो ये 1 हो गया।
इसका मतलब क्या है कि 0.5 टाइम्स 0.1 ये एक वैल्यू हो गई जिसको मैं कहूँगा कि इट इज टेंडिंग टू 0, 0.00001, तो इट इज टेंडिंग टू 0, तो ये क्या हो गया लगभग प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी इतनी छोटी है, इतनी कम प्रोबेबिलिटी है। और ये क्या 10 लाख, यानी कि इतनी ज़्यादा वैल्यू है, 10 लाख ट्रायल्स, यानी कि वैल्यू 10 लाख। तो अगर हमारे पास ये वैल्यूज बहुत ज़्यादा दे रखी हूँ, अगर ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा दे रखी हो एन की, नंबर ऑफ ट्रायल्स की, और तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो उस केस में एन इंटू पी, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है ये कांस्टेंट टर्म के बराबर आ जाता है, जैसे यहाँ पर 1 आया, तो वो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने लैम्बडा मान लिया, अ फाइनाइट नंबर। तो उस केस में जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो तब प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकाली जाती है, ई की पावर माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब यहाँ पर जो e की पावर वाला है, वो e की पावर का मतलब क्या हो गया, e की पावर में कुछ भी लिखते हैं तो वो एंटीलॉग होता है, एंटीलॉग लेना हम जानते हैं किस तरह से लिया जाता है, ठीक। तो देखिएगा, एक तो ये चीज़ हो गया, उसके बाद एक आप नोट करिएगा, रिकरेंस फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रिकरेंस फॉर्मूला। रिकरेंस का मतलब क्या है कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, तो रिकरेंस मतलब एक के बाद एक अगर प्रोबेबिलिटीज निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखें रिकरेंस फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटीज of Poisson distribution. तो ये क्या होता है, ये नोट करिए, P1 is equal to lambda P0, lambda into P0. Similarly, P2 is equal to lambda by 2 P1. Lambda by 2 P1. लैम्डा बाई टू P1, इसी तरह से P3 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 3 P2, लैम्डा बाई 3 P2, ठीक। इसी तरह से एंड सो ऑन। ये तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही है, बस ये समझना नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन λ, ये वैसे भी हम समझ रहे हैं कि इससे पहले वाला जो हमने करा था मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी क्या था, n इंटू पी था, और n इंटू पी ही तो लैम्बडा के बराबर आ रहा है, तो म्यू इज इक्वल टू लैम्बडा हो गया। इसी तरीके से वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा स्क्वायर भाई वो भी लैम्डा के बराबर होता है,
स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, वो हो जाएगा अंडर रूट लैम्डा के बराबर। ठीक है, बस ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और फिर करना शुरू करो फटाफट इसके भी क्वेश्चंस। एग्जांपल नंबर वन, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड पी टू गिवन लैम्डा इज इक्वल टू वन। एग्जाम्पल नंबर वन में मुझे क्या करना है, पी टू फाइंड आउट करना है गिवन लैम्डा इज इक्वल टू वन। लैम्डा इज इक्वल टू वन, लैम्डा की वैल्यू वन दे रखी है, तो पी टू फाइंड आउट करना है। तो पी टू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करो, वैसे तो लैम्डा बाई टू इंटू पी वन, लेकिन पी वन की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला ये भी होता है इसका, जो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए पी टू की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो पी टू की वैल्यू निकालो, पी टू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वन, ई की पावर माइनस वन, ई की पावर माइनस लैम्बडा मतलब ई की पावर माइनस वन, लैम्बडा की पावर आर, लैम्बडा कितना है वन, वन की पावर टू अपॉन आर फैक्टोरियल, आर कितना है वही टू, तो टू फैक्टोरियल, तो पी टू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वन अपॉन टू। अब जरा देखिएगा पीछे ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की एक अलग टेबल भी दे रखी होगी, तो लॉगरिथम है एंटी लॉगरिथम है दे रखी है इसमें कि नहीं, दे रखी है यहाँ पर, ये दे रखा है पेज नंबर 747 में मेरी बुक में, ई की पावर लैम्बडा एंड ई की पावर माइनस लैम्बडा, ये दे रखा है। तो ई की पावर लैम्बडा जो है, ई की पावर माइनस वन निकालना है मेरे को, तो लैम्बडा इधर दे रखा है इस तरफ, लैम्बडा दे रखा है, तो लैम्बडा मेरे को चाहिए वन, लैम्बडा वन होना चाहिए, तो ई की पावर माइनस लैम्बडा इज 0.368, समझ गए होंगे शायद। ठीक है, वन रखा लैम्बडा की वैल्यू और इधर ई की पावर माइनस लैम्बडा में चेक करा तो 0.368, शिवांशी समझ गए कि नहीं, 0.368 ये वैल्यू लिखी है यहाँ पर। उसके बाद पी थ्री गिवन लैम्बडा इज इक्वल टू वन बाई टू, पी थ्री निकालना है, पावर माइनस लैम्बडा यानी कि ई की पावर माइनस वन बाई टू और लैम्बडा की पावर आर यानी कि वन अपॉन टू की पावर थ्री और अपॉन आर फैक्टोरियल मतलब थ्री फैक्टोरियल, ई की पावर माइनस 0.5 वन अपॉन टू क्यूब मतलब कितना हो गया 1/8 और थ्री फैक्टोरियल कितना हो गया 3 × 2 × 1, ई की पावर माइनस 0.5 वैल्यू ढूंढो जाना पीछे। ठीक है, तो ये हो गया 0.607 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 8 अपॉन 3 × 6 × 6 × 6 × 6 × 1, तो सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया और बीच वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया,
7 into 1 upon 8 into 6. अब इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है, 0.013. ये आ गया। एग्जाम्पल नंबर टू देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर टू है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल सफर्स अ बैड रिएक्शन फ्रॉम इंजेक्शन ऑफ अ गिवन सीरम इज 0.001, तो प्रोबेबिलिटी देख लीजिए कितनी कम दे रखी है, 0.001 यानी कि 1/1000 है प्रोबेबिलिटी, काफ़ी कम है। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स, फिर देख लीजिए नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 2000, मतलब 2000 लोगों पर अगर इंजेक्शन लगाया जाए तो इन्फेक्शन के मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जब इतनी ज़्यादा दे दी जाए तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स एक्जैक्टली 3, सेकंड एंड मोर देन 2 इंडिविजुअल्स विल सफर फ्रॉम अ बैड रिएक्शन, यूज ई की पावर -2 इज इक्वल टू 0.1353। ठीक है, अब ये ई की पावर -2 क्यों दे रखा है, क्योंकि एन और पी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 के बराबर आ रहा होगा, तभी तो e की पावर माइनस लैम्बडा वाले फॉर्मूले में बैठेगा, लैम्बडा की वैल्यू 2 आएगी। एग्जांपल 2 देखिए करके, n की वैल्यू दे रखी है 2000, 2000 लोगों पर ट्रायल करा जाता है और प्रोबेबिलिटी कि बैड रिएक्शन हो जाए तो वो है 0.001। ठीक है, तो लैम्बडा निकालो, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 0.001 पॉइंट गया, लीजिए 1000, 30 से 30 कट गए, लैम्बडा की वैल्यू आ गई 2, लैम्बडा की वैल्यू 2 आ गई। फिर है कि एग्जैक्टली 3, कि भाई सिर्फ एग्जैक्टली 3 होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि सिर्फ 3 लोगों को ही बैड रिएक्शन हो, तो पी एक्स इज इक्वल टू 3, तो e की पावर माइनस लैम्बडा यानी कि e की पावर माइनस 2 लैम्बडा की पावर r, लैम्बडा यानी कि 2 की पावर r कितना, मतलब 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब इन्होंने e की पावर माइनस 2 दे रखा है 0.1353, और 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, 4 1 4 4 5 20 4 4 16 18, तो 1.804, ये पी एक्स इज इक्वल टू 3 की वैल्यू 1.804 ये आ गई। इनका हमसे कुछ अलग आ रहा है, 0.1334 का 13 0.180, और मैंने गलत कर दिया, 0.0 देखो वाली डिवाइड नहीं मानी ये नहीं सर, 0.1353 सो 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.45 मिल जाएगा। हाँ 0.04, ऐसे ही करो, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट ली जाती है ना, 0.0451, तो ये हो जाएगा 4 1 4 4 5 20 4 4 16 और 2 18, 0.1804, उन्होंने 0.180 किया, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे ही पी एक्स ग्रेटर देन टू मतलब मोर देन 2, कि 2 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो जाए वो वाला, एक मिनट करके देखो, बस एक मिनट में आ रहा करके देखना जरा सेकंड पार्ट। शिवांशी समझ में तो आ रहा है? यस सर। ठीक है, करके देखिए जरा सेकंड पार्ट, मैं एक मिनट में आ रहा।
अगला देखो फटाफट, हो गया शिवान जी वाला? सब कर रही हूँ। इसमें e की पावर माइनस टू को कॉमन लेकर कर लिया होगा, ठीक है। अगला देखना जरा एग्जांपल नंबर थ्री। इन अ सर्टेन फैक्ट्री टर्निंग रेजर ब्लेड्स, रेजर ब्लेड्स बनते हैं फैक्ट्री में। देयर इज अ स्मॉल चांस 1/500 फॉर एनी ब्लेड टू बी डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव ब्लेड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, पी दे रखा है 1/500। द ब्लेड्स आर इन पैकेट्स ऑफ 10। तो ब्लेड्स जो है मतलब एक पैकेट के अंदर 10 ब्लेड होते हैं। यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, वन डिफेक्टिव, टू डिफेक्टिव ब्लेड्स रिस्पेक्टिवली इन अ कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स, कंसाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10,000 पैकेट है, हम क्या करेंगे ना, हम एक छोटे से पैकेट के लिए निकाल लेंगे। तो हम ये कहेंगे एक पैकेट के अंदर तो 10 ब्लेड है, तो स्मॉल एन को तो मान लिया 10, स्मॉल एन को तो मान लिया 10, और 10,000 जो पैकेट्स हैं वो 10,000 वाला जो है उसको बाद में देखेंगे क्या है। सबसे पहले स्मॉल एन, यानी कि स्मॉल एन को 10 मान लिया तो ये एन हो गया, और पी कितना हो गया 1/500, यानी कि 0.002। तो एन इंटू पी करके लैम्बडा की वैल्यू निकाल ली, 0.02 आ गई। अब नो डिफेक्टिव ब्लेड निकाला पी एक्स इज इक्वल टू 0 करके, एक भी डिफेक्टिव ब्लेड ना आए तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है 0.9802। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव ब्लेड्स, तो ऐसे कितने पैकेट्स हैं जिसमें एक भी डिफेक्टिव ब्लेड ना हो, उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करो। एक ब्लेड में, एक पैकेट में, एक पैकेट में 10 होते हैं, तो एक पैकेट में 0.9802 इतने डिफेक्टिव ब्लेड मिलेंगे, मतलब लगभग मिलेंगे ही नहीं, ये समझ लो है ना, या एक मिल जाएगा डिफेक्टिव। तो ये बोल रहे हैं कि 10,000 पैकेट में कितने डिफेक्टिव ब्लेड मिलेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया 9802। ऐसे ही वन डिफेक्टिव ब्लेड के लिए निकाला तो वो 0.0196 आ गया, उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 196 हो गया। ऐसे टू डिफेक्टिव ब्लेड्स निकाला तो उसको भी जो वैल्यू आई उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। छोड़ दूँ, कर लोगे? एग्जांपल नंबर फोर शिवांशी कर लेंगे या थर्ड वाला? यस सर। ठीक है, एग्जांपल नंबर फोर देखिए इसी तरह से। अ कार हायर फर्म हैज टू कार्स विच इट हायर्स आउट डे बाय डे, विच इट हायर्स आउट डे बाय डे। ठीक है, एक कार हायर फर्म है, उसके पास जो है दो कार हैं, विच इट हायर्स आउट डे बाय डे। The number of demands for cars on each day is distributed as a Poisson distribution with mean 1.5. The number of demands for cars on each day is distributed as a Poisson distribution with mean 1.5. ठीक। Calculate the probabilities of days on which neither car is used and the probabilities of days on which some demand is refused. इसका मतलब क्या है? Some demand is refused का मतलब क्या है कि car use ना करी जाए। तो अ कार हायर फॉर्म हैज टू कार्स विच इट हायर्स आउट डे बाई डे। द नंबर ऑफ डिमांड्स फॉर कार्स ऑन ईच डे इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 1.5। मीन म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.5, यानी कि लैम्बडा दे रखा है 1.5। तो लैम्बडा 1.5 है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डेज ऑन विच नाइदर कार इज यूज। नाइदर कार इज यूज का मतलब आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाइदर कार इज यूज एंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डेज ऑन विच सम डिमांड इज रिफ्यूज। सम डिमांड इज रिफ्यूज का मतलब क्या है, मोर देन टू कार्स आर डिमांडेड। अगर दो से ज़्यादा कार की डिमांड हो गई तो हमारे पास तो है ही दो कार, हमारी तो डिमांड ही रिफ्यूज हो गई, हम उस डिमांड को फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, उन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज वन नो कार इज रिक्वायर्ड, तो पी जीरो, पी जीरो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस लैम्बडा। ऐसा क्यों? क्योंकि पी जीरो क्या होता है, पी जीरो में क्या करेंगे, ई की पावर माइनस लैम्बडा तो आ जाएगा इंटू जी इंटू लैम्बडा की पावर जीरो है ना, तो वो तो वन हो गया, और अपॉन जीरो फैक्टोरियल वो भी वन, तो ई की पावर माइनस लैम्बडा आ जाएगा वो सीधा। तो वो निकाल कर 0.2231 कर दिया। फिर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेज व्हेन सम डिमांड इज रिफ्यूज, यानी कि मोर देन टू कार्स आर डिमांडेड। तो मोर देन टू कार्स का कैसे निकालेंगे, वन माइनस पी जीरो प्लस पी वन प्लस पी टू, ये कर गया 0.191, ये हो गया। ठीक है,
छोड़ दूँ आगे के क्वेश्चन, एक बार ट्राई करना, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसके लिए ना कोई बुक नहीं है, एमएल अग्रवाल ही है, तो बोर्ड में भी जो पेपर बनाते हैं वो भी हैं तो नॉर्मल टीचर्स ही पेपर बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना कि टीचर्स को पेपर बनाने के साथ साथ जो है ना वो उसकी सॉल्यूशन की भी बनाकर देनी पड़ती है। तो अपने काम को आसान बनाने के लिए ज़्यादातर चांसेस मुझे जो लगते हैं सॉल्व एग्जाम्पल में से पेपर बनने के हैं। तो सॉल्व एग्जाम्पल मत छोड़ देना। अच्छा सॉल्व एग्जाम्पल में सारी टाइप भी कवर हो रही है, तो एक बार तो एक्सरसाइज छोड़ दो, लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल मत छोड़ना, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना पड़ेगा टीचर को, करने बैठेगा। और अगर पेपर एम एल अग्रवाल से ही बनवा लिया तो भाई वो तो करेगा, क्योंकि तो लिखे हुए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स ट्राई करिएगा, बाकी देखते हैं कल की क्लास में। Thank you.